अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जुहैर सिद्दीक, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको होम मेड स्क्रब बताऊंगी कि मैं किस तरह से होम मेड स्क्रब बनाती हूँ फॉर फेस एंड बॉडी। और अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो स्किन केयर रूटीन मैंने अक्सर शेयर की थी और जो मैंने अक्सर फेशियल शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने ये स्क्रब यूज़ किया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ये स्क्रब कैसे बनाती हैं, क्या यूज़ करती हैं। तो आज वही मैं आपको बताने लगी हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये आपको हर घर पे मिल जाएगा, घर पे आसानी से मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लावर, अर्के गुलाब, जो रोज़ वाटर होता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं जो यहाँ राइस फ्लावर ले रही हूँ वो है ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। तो आपके पास अगर सिंपल वाला भी है, ऑर्गेनिक नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। आप ये वाला एलोवेरा जेल आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके जिनके पास नहीं है ये एलोवेरा जेल, और जिनके पास प्लांट है एलोवेरा जेल का, तो जिनके पास प्लांट है एलोवेरा जेल का, तो वो प्लांट का, वो प्लांट से मतलब वो नेचुरल एलोवेरा जेल को निकाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से हर फार्मेसी से, हर शॉप से, मेकअप शॉप से इजीली आपको मिल सकता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, किस तरह से मैं मिक्स करती हूँ, कितनी क्वांटिटी में मैं डालूँगी इन लोगों इन सब चीज़ों को, तो आज इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर ले रही हूँ। तो ये देख ले, 1, 2। अच्छा, तो मैं स्क्रब इतना ही बनाती हूँ जितना मुझे यूज़ करना होता है, क्योंकि मैं फ्रेश बनाती हूँ। तो मेरा मानना ये कि फ्रेश बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, जितना आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ आपको वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। फर्स्ट ये मैं अपने फेस के लिए बता रही हूँ, और ये तो आपने ये यूज़ करना है 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, और चंद कतरे आपने डालने हैं रोज़ वाटर के। तो ये देखिए, ये बिल्कुल चंद कतरे ही हैं जो मैं डाल रही, मतलब 5 ड्रॉप्स आपने इसके इसके डालने हैं रोज़ वाटर के। अच्छा, और जो एलोवेरा जेल है वो मैं लूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है राइस फ्लावर। तो 1 टेबल स्पून मैं लूँगी एलोवेरा जेल के, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अगर आपको क्वांटिटी थोड़ी सी लिक्विडी चाहिए तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल और भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी आपको कब यूज़ करना है पानी का इस्तेमाल। तो आप 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई लिक्विडी हो, तो मैं तो ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और मैं फिर जब मैं फेस पर यूज़ करती हूँ तो पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। जी देखिए, हमारा स्क्रब हो गया है रेडी। ना ये इतना लिक्विडी है, ना ये इतना, बस मीडियम ही है, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट मैं जो हूँ वो अपने फेस, अब मैं यहाँ पर तो हाथ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप फेस पे यूज़ करोगे तो सेम प्रोसीजर ही है। तो आप अच्छे से अपने हाथों को गीला कर लें, अपने फेस को अच्छे से आप गीला कर लें, अपनी बॉडी को गीला कर लें, ठीक है। आपने अपने गीला कर लिया, फिर आपने ये स्क्रब लिया और आपने अच्छे से इसको आप सर्कुलर मोशन में, ये देखें, तो अगर लिक्विड भी नहीं होगा तो भी कोई मसला नहीं होगा। तो आप हल्के हल्के से आप इसे मसाज कर लो, आप हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, ये फेस के लिए भी, फेस और बॉडी दोनों के लिए ये स्क्रब है। मैंने पेडिक्योर मैनीक्योर का भी आपको बताया था, तो उसमें भी मैंने यही स्क्रब यूज़ किया था।
मैं यहाँ बताऊँ आपको, जितना आप अपनी स्किन को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के लिए, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, उतना ही आपकी स्किन के लिए अच्छा। अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं हमारा फाउंडेशन केकी हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन जितना आप अच्छा और नेचुरल रखेंगे, ऑर्गेनिक रखेंगे, उतना आपके लिए और आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। जितना आप अपना आपको और अपनी स्किन को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो उतने ही आपकी इस हाँ स्क्रब को आपने 10 मिनट्स छोड़ देना है, चाहे वो आप अपने फेस पे लगा रहे हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा रहे हैं अपना स्क्रब, तो उसको 10 मिनट छोड़ दें। आफ्टर 10 मिनट्स आपने दोबारा आपने थोड़ा सा वेट करना है और फिर आपने अच्छे से मसाज करना है और इसे वॉश कर लेना है। तो या ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, तो इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फीडबैक दीजिएगा, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो भी, और जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो भी, तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ, आपकी आसानी के लिए बनाती हूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को भी याद रखें और सबके लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।